Today, I have a very distinguished guest with us who has done so much for Pakistan and so much for our society. I'm going to introduce you today to Mr. Mohammed Idris. He is the CEO of Sitara Chemical Group, Pakistan. He's also the international director from 2018 to 2021 of Lions Club International. And he's the president of the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. Idris Saab, Assalamu Alaikum. Wa Alaikum Assalam. Welcome to our show. It's going to be a little show where I would first of all ask you ke aap zara thoda sa apna introduction ya aapki journey jo hai uske bare mein brief zara hame bataiye hamare viewers ko. First of all, let me correct. I was president Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industries in 2015. Right, 2015. So, okay. At that time I was the president. Yes, sir. I started my business career right from 1980. MashaAllah. When I just completed my graduation. Right. And I joined the family business. Okay. During that, after serving at least 1.5 years, 1 year practically, then I asked to send me abroad for the further education. So I was then went to London, City of London Polytechnic. Yes. Which is now university. I did 1 year's advanced business studies diploma. MashaAllah. It is like an MBA. MBA. Right. So this is how I studied and completed my studies and joined the business. And later on, in 1984, I was transferred from my traditional textile business to a chemical business. Okay. Where I started, there was a turn in my life, in the change of my career, profession, sector. So right. From textile background to a chemical. So, एक अगर मैं स्विचिंग टू उर्दू अगर हम आपसे ये कहें कि जब आपका ये स्विच हुआ तो दैट इज वेयर दिस होल करियर स्टार्टेड अगेन आफ्टर कमिंग बैक. यस. सो दैट इज वेयर इट स्टार्टेड. बिल्कुल इसी तरह जब केमिकल स्टार्ट हुआ तो मैं 83 में ओके अभी बिल्कुल वहाँ पे प्लेन लैंड थी उस पर कंस्ट्रक्शन हुई पूरे प्लांट की उसके बाद फिर वो कंप्लीट हुआ 85 में और दिस इज हाउ 85 में जो है ये केमिकल प्लांट जो है कंप्लीट कमर्शियल प्रोडक्शन में आया. एट दैट टाइम वी वर द स्मॉलेस्ट केमिकल प्लांट इन पाकिस्तान एंड नाउ यू आर द नाउ वी आर द लार्जेस्ट केमिकल प्लांट इन पाकिस्तान. दैट इज माशाल्लाह. तो इस जर्नी के अंदर आपने अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स दैट्स अ लॉन्ग जर्नी इट्स अ लाइफ टाइम एक जिंदगी होती है पूरी की पूरी जो आपने दी है. तो इसमें से आपको जो अगर पॉजिटिव लेसन्स अगर आपके स्टूडेंट्स हैं हमने उनको आपका ये इंटरव्यू हमसे शेयर भी करेंगे क्लासेस में कि एक जो लोग जो एक इस तरह से सक्सेस में आए बेशक आपकी फैमिली की सपोर्ट थी और बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिलीज की सपोर्ट है उनके पास तो वो उस तगोदो को उस जर्नी को उस सफ़र को तय करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो चीज़ें आप उनसे शेयर करना चाहें कि जब आप नौकरी पे भी जाते हैं एक तरह का जॉब थी ना आपने यू बिकेम अ पर्सन हु वाज हेडिंग अ कंपनी एंड देन यू स्टार्टेड तो कैसे चीज़ जो स्टूडेंट्स को भी हो के जो देखिए जब आप डिटरमाइंड है ना कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए हाँ बिजनेस करना है और आपके स्टेक्स सारे पाकिस्तान में है. गुड. तो एक बात तो यह है कि आपको पाकिस्तान एनवायरमेंट को समझ लेना चाहिए. वेरी गुड. इसके जो अप एंड डाउन है आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए. Good. आपके जो जितने रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि आप इन लोगों के साथ रिलेटेड हैं और इनके साथ रहते हुए पाकिस्तान के जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की जो डिपार्टमेंट्स की मेंटेलिटी है उसको समझना उसको समझते हुए आपको काम करना है. Right. और जब आप उनको समझते हुए काम करते हैं तो उसमें फिर आपको हर्डल्स भी आती है बिल्कुल सही प्रॉब्लम्स भी आती है उसमें आपने स्ट्रगल करना होता है उसमें आपको ब्रेक थ्रू चाहिए होता है आपको उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए कि यस यू विल गेट थ्रू.
अदरवाइज आप स्टक होके बैठ जाएंगे। और यही वजह है कि बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पे काम छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ की इन्वायरमेंट के मतलब मेंटेलिटी के मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती या उनको डील नहीं करना आता। तो यहाँ की डीलिंग के मतलब उनको पता होना चाहिए कि महकमों के साथ कैसे डील करना है। जब आपको पता हो महकमों के साथ डील करना है तो फिर तो आपकी यहाँ कारोबार हो बिजनेस हो तो आपकी ज़िंदगी आसान है और आप प्रॉफिटेबल भी होंगे, आप ग्रो भी करेंगे। और अगर नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, मुसीबत है। बिल्कुल सही। आपके स्टूडेंट्स की बात की, आपके स्टूडेंट्स को ईजी ग्रो नहीं होना चाहिए, ईजी गोइंग नहीं होना चाहिए। ये उनको अगर अगर उन्होंने सक्सीड होना है, सक्सेसफुल होना है, तो फिर उसके लिए यहाँ की जो मैंने बात कही है उसके मतलब डिटरमाइंड हो, काम करना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, हमने चैलेंजेस को सॉल्व करना है। Exactly. हमने चैलेंजेस से भागना नहीं है। जो लोग दरमियान में हाफ हार्टेड काम करते हैं वो भाग जाते हैं। बिल्कुल सही बात। वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं या थक तो जाते हैं, कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो वो नहीं होना। तो आप प्रॉब्लम्स आएंगी। एक दिन ऐसा आएगा, एक मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप कहेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो आप परेशान होंगे कि आज प्रॉब्लम भी आई। तो प्रॉब्लम जो है वो तो आपने रोज रिसॉल्व कर। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे जो हैं जब वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो वो एक किताबी कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने पढ़ा होता है और राइट और रॉन्ग का एक बड़ा क्लियर उनके दिमाग में होती है डेफिनेशन। UMT के अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको पहले ग्रेजुएशन से पहले हम कंपनीज में भेजें, जैसे सितारा है। हम ये चाहते हैं कि उन कंपनीज़ के अंदर वो आखिरी सेमेस्टर में ना एक फुल टाइम जॉब की सूरत में जाए, जिसके आपकी HR आए, हमारी वो ग्रुप है उसमें से इंटरव्यू करके 2-3 लोगों को ले जाए, मतलब उनको वो जॉब दे दे। इट्स गोना बी अ मिनिमल कॉस्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि वाइल दे स्टडिंग वो वीकेंड पे आके अपने बाकी कोशिश करेंगे, लेकिन 9 to 5 या 9 वट एवर टाइम फ्रेम वो आपकी कंपनियों के अंदर जॉब्स करें और वहाँ से वो एक्सपीरियंस गेन करें। डू यू इज कॉल को ऑप, मतलब ये हम एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ये लोग जाकर आखिरी सेमेस्टर के अंदर आपकी HR हमारे साथ बैठ के 2-3 लोग, जो भी कैपेसिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें अलाउ करती है जिसके तहत हमारी है, वो 1-3 लोगों को ले जाएं। उससे आपकी मतलब उस कंपनी की कॉस्ट भी बचती है बाद में भी, और दूसरा ये कि उसी स्टूडेंट को वो ग्रूम भी कर सकते हैं इन द लास्ट थिंग और वो यहाँ से पढ़ रहे हैं। डू यू थिंक दिस अप्रोच इज़ गुड फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव एंड टेमिंग फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स को? देखिए, ये जो आपने बताया है ये तो बड़ा मस्ट है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ताकि बच्चे को जो स्टूडेंट जहाँ से जब एकेडमिकली फारग हो रहा है जी, तो उसको जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं साइट की, वो पहले इंडस्ट्री की, बिजनेस की, मतलब जो कल्चर है उसको पता चल जाए ग्रेजुएशन से पहले उसको ये पता चल जाए कि रियलिटीज़ क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाना है तो उसका कल्चर क्या है, उसका तरीकाकार क्या है और मुझे किस तरह से काम सीखना है और किस तरह से करना है और ये किस तरह से करना मैं एक बात बताऊं, बच्चों को अवेयरनेस मोटिवेशन तब आती है जब वो एक प्रैक्टिकल कोई भी इंडस्ट्री विजिट करते हैं और वो प्रोफेशनलिज्म देखते हैं। और जब आप जैसी इंडस्ट्री दिखाएंगे उसका माइंड सेट उसी तरह सेट होगा जिस तरह की इंडस्ट्री आप दिखाएंगे, जिस तरह दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जब जिस तरह का वो स्टूडेंट है, जिस तरह की आप इंडस्ट्री उसको दिखा रहे हैं, वो उसका माइंड सेट हो जाएगा, वो उसका एक पैशन बन जाएगा कि मैंने इस तरह की इंडस्ट्री में काम करना है। और इसके लिए ये आपने जैसे कहा ये तो बड़ा प्रैक्टिकल है जी, कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे ही है जैसे आप उसको पहले दरिया में फेंकने, समुंदर में फेंकने से पहले आप उसको उसकी लाइफ जैकेट लगा दें और उसकी ट्रेनिंग करा दें। आपके ख्याल में आप एक लीड करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप, इसके अंदर फर्क आपकी नज़र में क्या है? लीडर जो है वो हमेशा अपने इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करने के लिए डिटरमाइंड होता है। जो फॉलोअर होता है वो स्टेटस क्वो में रहता है,
ये तो बड़ा सिंपल जवाब है, ठीक है। और जो फॉलोअर्स होता है वो जैसे भी जो भी जिस तरह से भी रह रहे हैं वो अपने लिहाज में वो खुश है, उसके अंदर पैशन डिटर्मिनेशन या आगे बढ़ने की जो हिस्सा है इनिशिएटिव है वो नहीं है, वो नहीं है। इनिशिएटिव लेने वाला फिर इनिशिएटिव लेके रास्ता दिखाने वाला, रास्ते के अंदर के चैलेंजेस को फेस करके उनको दूर करने वाला वो लीडर है। ऑर्गेनाइज करने वाला आपको जो है जिसको बड़ी क्लैरिटी हो, जिसके माइंड में फोकस्ड हो और जो इर्द गिर्द के जो रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर ऑर्गेनाइज करके लेके चले वो लीडर है। अब कथा कलामी माफ, जैसे हमने आगे बात की कि ये जो हमने जिक्र भी किया लेकिन उसको एक और लैंग्वेज में किया कि जो एकेडेमिया है और उसका और जो इंडस्ट्री है इसके लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी इसीलिए आज तशरीफ़ लाए हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, तो आपके ख्याल में ये जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज है इसकी आने वाले दिनों में आने फ्यूचर में पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है, तो थोड़ा सा इस पर अगर बता दें। इस पर देखें बहुत ज़रूरत है एकेडेमिया और इंडस्ट्री का, जब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी दोनों एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर सकते, एक दूसरे को साथ लेकर नहीं चल सकते, एक दूसरे से फ़ायदा नहीं उठा सकते, दोनों का हाँ दोनों को लॉस, दोनों नहीं फ़ायदा उठा सकते। इंडस्ट्री को जो R&D चाहिए, जो फ्रेश ब्रेन चाहिए, जो आइडियाज़ चाहिए वो जो है वो एकेडेमिया से मिल सकते हैं, और जो एकेडेमिया को प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो फील्ड के अंदर होते हैं उनकी अवेयरनेस वो चाहिए। बिल्कुल सही, वो जब उनकी अवेयरनेस होगी तो वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को उन पैरामीटर्स के ऊपर लेकर आएंगे और फिर उसका फायदा होगा, फिर उसका इंडस्ट्री और एकेडेमिया को दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे, तो तभी जाके ये एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। अगर वो अपनी अपनी नहर के दो किनारों की तरह साइड अपनी अपनी साइड पे चल रहे हैं और आपस में कोई उनकी जो है वो ब्रिजिंग नहीं है तो वो मैं समझता हूँ कि वो इतना बेनिफिट नहीं होगा। व्यूअर्स, आज हमारे साथ अज़ीज़ साहब थे, ही इज द पर्सन हु हैज़ रियली आई थिंक के सीधी बात की है, स्ट्रेट बात की है, फैक्चुअल बात की है कि अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या आपने जॉब करना है तो जहाँ पर आप रह रहे हैं, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी रह रहे हैं, तो वहाँ के कल्चर और उनकी वैल्यू सिस्टम्स को और उनके नॉर्म्स को समझकर फिर वहाँ पर बिजनेस होता है। कोई एक किसी से बेहतर नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपके स्टेक्स पाकिस्तान में हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में बिजनेस कैसे होता है, व्हाट आर द नॉर्म्स, व्हाट आर द वैल्यूज़ जिनको फॉलो करते हुए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरा मैसेज उनका ये है कि नेवर गिव अप, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विल्ड कि आपने सक्सेसफुल होना है। अप्स एंड डाउन बिजनेसेस में आते हैं, और जाते जाते मैं एक और बात भी कह दूं कि आपसे हमारी OCLP भी कांटेक्ट करेगी, वही को आप के लिए जो हमने आपसे डिस्कस किया, मे बी सितारा कैन गिव अस 1 or 2 सीट्स टू ट्राई आउट कि हमारे ग्रेजुएट्स कैसे चलते हैं। श्योर, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच।